क्यों नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls, hi, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ ग्रामीण इलाकों में मॉल्स को छोड़कर लगभग सभी दुकानें खोलने की दी अनुमति। दुकानों में 50% कर्मचारी ही करेंगे काम। प्रदेश सरकार ने मेडिकल इन्फेक्शन रोकने के लिए डेडिकेटेड टीम की गठित। अपर मुख्य सचिव सूचना गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मेडिकल कर्मियों को संक्रमण से बचाना पहली प्राथमिकता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और मनरेगा ने गरीब और मजदूरों की लॉकडाउन के दौरान खत्म की मुश्किल। और रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में इबादत करने की अपील। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लागू किए गए लॉकडाउन के बीच राहत की खबर आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए ग्रामीण इलाकों में मॉल्स को छोड़कर लगभग सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, जो राज्य में शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। इसमें मार्केट कॉम्प्लेक्सेस भी शामिल हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा। जिसके साथ ही शहरी इलाकों में आवासीय परिसर की दुकानें, स्टैंडलूम की दुकानें, पड़ोस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी मिल गई है। हालांकि शहरों में अभी मॉल्स या फिर मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें दुकानों को खोलने को लेकर फैसला करेंगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाइयाँ और किराना की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई थी। दिल्ली सरकार ने अगले कुछ दिनों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोविड-19 के और 3 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया, जो उत्साहजनक परिणाम दिया है। और इस बारे में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर JC पासी ने खास बातचीत की। देखिए, ये एक बहुत ही रिसेंट कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा थेरेपी, और ये कोविड के जो सीरियस पेशेंट्स हैं कैटेगरी 3 वाले, जो ICU में हैं, जो वेंटिलेटर्स पर हैं, जिनकी जान को खतरा है, ये केवल उन मरीजों को के ऊपर इसको दिया जा रहा है। कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया जो ठीक होकर गए थे? मतलब जैसे 4 मरीजों के लिए तो 4 डोनर ही होंगे। एट ए टाइम हम 1 डोनर को ही 1 पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें लगभग 250 ml के करीब, 250 ml के करीब ब्लड लिया जाता है। और ठीक होने का क्या रेशियो रहता है, अगर टाइमिंग की बात की जाए, कितने दिन में ठीक हो जाते हैं, क्या वेंटिलेटर के पेशेंट इसे ठीक हो रहे हैं? देखिए, अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बहुत, मतलब कुछ सुधार के चिन्ह दिखने शुरू हुए हैं इन मरीजों में। एक और चीज़ सर, कि आपका अस्पताल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, तो कितनी इसकी क्षमता है, किस तरह के मरीज आते हैं, क्या प्रक्रिया है यहाँ पे रखने की? देखिए, इस हॉस्पिटल में हमारे 2000 बिस्तर हैं, और 2000 बेड जो हैं वो हमें कैटेगरी 3 पेशेंट्स के लिए तैयार करने हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1490 नए मामले सामने आए हैं और 56 लोगों की मौत हो गई है।
इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 24,942 हो गई है, जिसमें 18,953 सक्रिय हैं, 5,210 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 779 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के सफल क्रियान्वयन पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किए गए लॉकडाउन के निर्णय की विश्व में सराहना हो रही है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को प्रत्येक दशा में बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री कोरोना वायरस के नियंत्रण तथा लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों की हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए संक्रमण से बचाव के लिए अपनाई जा रही रणनीति अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। हॉटस्पॉट का यह यूपी मॉडल काफी लोकप्रिय हुआ है। यह निरंतर सुनिश्चित किया जाए कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल मेडिकल, सैनिटेशन तथा होम डिलीवरी टीमें ही जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके अपने देश के श्रमिकों, कामगारों तथा मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगा। इसके लिए एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि संबंध में सूची तैयार की जाए, जिसमें संबंधित राज्य में स्थित प्रदेश के मजदूरों का विवरण दर्ज हो। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कराते हुए संबंधित राज्य सरकार को इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 20 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस वाले जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक, स्वास्थ्य तथा पुलिस अधिकारी भेजने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन के दौरान और छूट दिए जाने की एडवाइजरी जारी किए जाने के बावजूद रामनगरी अयोध्या जनपद वासियों को फिलहाल अभी इस छूट का फायदा नहीं मिलने वाला है। जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में गर्भवती महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 1-2 दिन हालात की निगरानी के बाद ही छूट का दायरा बढ़ाए जाने के बारे में कोई फैसला लेने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से महामारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को सशर्त खोलने के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के तहत नगर पालिका की सीमा के बाहर के सभी दुकानों को प्रदेश सरकार खोलने का निर्णय ले सकती है, बशर्ते यह दुकानें आवासीय क्षेत्र में न हो और इन दुकानों में कर्मियों की तादाद पहले ही से ही कम रहे। कर्मियों की तादाद की आधी रखी जाए और महामारी अधिनियम के तहत जारी एडवाइजरी के तहत सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन कराया जाए। जो जिन दुकानों को भी छूट देने की बात आई है, उसमें ये रहता है कि अंतिम निर्णय उसमें स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल परिस्थिति है उसको देख करके ले सकते हैं। तो अभी स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि इस तरीके से जनरली दुकानें नहीं खुलेंगी और जिन दुकानों को बाई स्पेसिफिक ऑर्डर पहले ही खोलने की अनुमति दी गई थी, जब लॉकडाउन में 20 तारीख के बाद थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी सुविधा दी गई थी, तो उसमें स्पेसिफिक ऑर्डर दिया गया था। उस ऑर्डर के द्वारा या उसके बाद जैसे जो भी इस तरह की कुछ एसेंशियल सर्विसेज रिलेटेड दुकानें वगैरह हैं, इनको खोलने की अनुमति दी गई है। बस वही दुकानें इस वक्त खुलेंगी और कोई अतिरिक्त दुकान जो है इसके अलावा अभी नहीं खोली जाएंगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने लोकभवन में बताया कि मुख्यमंत्री ने मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए बेहतर तथा प्रभावी प्रयास किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों सहित सभी चिकित्सा कर्मियों को प्रत्येक दशा में कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षित रखना आवश्यक है। मेडिकल इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए डेडिकेटेड टीम गठित करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए राज्य मुख्यालय तथा जनपदों में टीम बनाई जाएगी। ये टीम सरकारी और निजी सभी अस्पतालों में मेडिकल इन्फेक्शन पर फोकस करते हुए इसे रोकने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्राथमिकता पर ऐसी टीमों का गठन करने के निर्देश दिए हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों की श्रृंखला तैयार करने, चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की नियमित व सुचारू आपूर्ति बनाए रखने तथा ट्रेनिंग को और गति देने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि मेडिकल शिक्षा के विद्यार्थियों तथा आयुष आदि चिकित्सकों की भी मेडिकल ट्रेनिंग कराई जाए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अस्पतालों में इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए सभी जनपदों में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाए। इसके अतिरिक्त सभी अस्पताल प्रशासन द्वारा भी एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 57 जिलों में अब तक 1,778 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 48 जनपदों में 1,504 मामले एक्टिव हैं। अब तक 248 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए विशेष जो है बैठक में चर्चा की,
और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टरों सहित चिकित्सा कर्मियों को प्रत्येक दशा से संक्रमण से सुरक्षित रखा जाए। मेडिकल इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए एक नया निर्देश उन्होंने दिया है कि डेडिकेटेड टीम केवल मेडिकल इन्फेक्शन रोकने के लिए बनाई जाए, यानी पूरी मेडिकल व्यवस्था के साथ साथ इन्फेक्शन रोकने के लिए डेडिकेटेड टीम बनाई जाए, यानी अलग से जो है अधिकारी नियत किए जाए जो केवल इन्फेक्शन रोकने के लिए हो, और इस टीम में सरकारी और निजी अस्पतालों के मेडिकल इन्फेक्शन को भी फोकस किया जाए, और स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग प्राथमिकता पर इन टीमों का गठन कर दे। संभवतः ये टीमें आज ही गठित हो जाएंगी कि मेडिकल इन्फेक्शन किसी तरह से ना हो। प्रदेश में इस समय जो कुल एक्टिव केसेस हैं इन्फेक्शन के वो हैं 1504। 57 जिलों से अभी तक कुल 1778 इन्फेक्शन के प्रकरण सामने आए हैं, 1778, जिनमें से 248 लोग पूर्णतः उपचारित होकर वापस अपने घर जा चुके हैं, 248 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, 26 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, इनमें से लगभग अधिकांश सब के सब किसी न किसी कोमॉर्बिडिटी से या अधिक उम्र के लोग थे। जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन हो रहा है ये एक इन्फेक्शन का बड़ा सोर्स निकल के आ रहा है। कई जिलों में हॉस्पिटल से इन्फेक्शन फैला है, तो जो हॉस्पिटल्स हैं चाहे वो सरकारी सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, उनमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल की पूरी तैयारी हो और इन्फेक्शन प्रिवेंशन पर पूरा काम हो, इसके लिए उन्होंने निर्देशित किया था। उसके क्रम में हम लोगों ने आज एक ये निर्णय किया है कि हर जिले में एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करवाने के लिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, एक एडिशनल CMO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाएगा। हर एक जो भी हॉस्पिटल होगा, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल को अपने एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन कमेटी बनानी होगी, जिसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि सारे प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते एक विराम। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? क्या गाएं क्या गुनगुनाएं भैया? क्यों, क्या हुआ, बैठिए। छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज है ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। इससे सही पोषण और अन्य खर्च दोनों में सहायता मिलेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बस ऐसे ही गाना गुनगुनाते रहिए चाचा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से शुरू हुए पवित्र रमजान माह के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि रमजान के पवित्र दिनों में रोजा, मानवता की सेवा, ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, आत्म अनुशासन, सहनशीलता, सादगी आदि मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। इससे परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना बलवती होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समरसता, भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की मिसाल है। इसी विरासत और परंपरा को अक्षुण रखते हुए कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुस्लिम भाई घरों में रहकर ही धार्मिक कार्य सम्पन्न करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी भीड़ या अन्य कोई कार्यक्रम आयोजित न हो। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने माहे रमजान की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सभी मुसलमान भाई अपने घरों में रहकर अल्लाह की इबादत करें ताकि कोरोना जैसी महामारी को खत्म किया जा सके। उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी अपील की। धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सभी को मुबारकबाद देते हुए घर में रहने की अपील की है। उन्होंने घरों पर रहते हुए रोजा रखने और नमाज पढ़ने को कहा। साथ ही इफ्तार और शहरी भी घर पर ही करने को कहा। उन्होंने कहा कि लोग अल्लाह से दुआ करें कोरोना का हमारे मुल्क और दुनिया से खात्मा कर दें। समाचार में आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जिले के सुदूर
मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल लखनऊ के जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज 29 शाबान उल मुअज्जम 1441 हिजरी मुताबिक 24 अप्रैल 2020 को रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है, लिहाजा कल यानी 25 अप्रैल को पूरे मुल्क में पहला रोजा इंशाअल्लाह होगा। घरों पर रहते ही हुए रोजा रखें, नमाजें पढ़ें, तरावी पढ़ें, इफ्तार और सहरी करें और इफ्तार के वक्त खुसूसन अल्लाह से ये जरूर दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस जैसी बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दे। हम अपील करते हैं अपने मुस्लिम समाज से कि रमजान के दौरान लॉकडाउन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया कोरोना जैसे वायरस से लड़ रही है और हमारा देश हिंदुस्तान कामयाबी के साथ इससे लड़ाई लड़ रहा है और हम सब इसमें भागीदार बन रहे हैं। इसलिए हम अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन किया जाए इबादत के दौरान और कोशिश की जाए कि घर में रहकर ही हम इबादत करें। सोनभद्र जिले के सुदूर पहाड़ी और पिछड़े अंचलों में रहने वाली गरीब आदिवासी परिवार की महिलाएं इस कोरोना महामारी के दौर में 3 महीने तक निशुल्क रसोई गैस पाकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते नहीं थक रही हैं। जिले के जिला पूर्ति अधिकारी डॉक्टर राकेश तिवारी ने बताया कि लगभग 1,75,000 उज्ज्वला के लाभार्थी हैं जिनके खाते में संबंधित कंपनियों द्वारा पैसा भेज दिया गया है। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो मोबाइल नंबर 7839564749 पर जानकारी दें, उनकी समस्या का तत्काल निदान किया जाएगा। उनके खाते में माह अप्रैल का पैसा संबंधित तेल कंपनी द्वारा भेज दिया गया है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है वो हमको फोन 7839564749 करता है तो उसका तत्काल समाधान कराया जाता है। पैसा कौड़ी के गर्जन हम लोग भरा नहीं सकली, उनके गैस तो मिल गल, ऐसे ही मदद मिलल जाए तो हम लोग जी सकीला। आजमगढ़ में वैश्विक महामारी कोरोना COVID-19 के संक्रमण के दृष्टिगत मशहूर फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने रमजान के पवित्र माह में आजमगढ़ जनपद वासियों के लोगों से घर में रहने की अपील की है। साथ ही अपनी संस्था मिजवा वेलफेयर सोसाइटी से अब तक किए गए कार्यों की सराहना की। सोशल मीडिया पर अपील करते हुए शबाना आजमी ने कहा कि इस कोविड महामारी से एक बात साफ है कि हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोरोना वायरस न जाति देखता है, न क्लास देखता है, न ही जेंडर देखता है। आज सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने एक हलचल मचा दी है और हम सब के सब COVID-19 की गिरफ्त में आ गए हैं। तो एक बात तो साफ समझ में आती है कि हम सब लोग एक दूसरे पे निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। कोरोना वायरस न जात देखता है, न क्लास देखता है, न जेंडर देखता है, वो सबको हो सकता है। तो हम लोगों को अपना फ़र्ज निभाना है उन लोगों की तरफ जो हमारे इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं। 2 अप्रैल से लगातार फूलपुर तहसील में, आजमगढ़ के अलग अलग गांवों में पहुंचा रहा है रिलीफ मटेरियल, जिसमें राशन है, जिसमें साबुन है, जिसमें तेल है और सबसे अहम कि हमने 10,000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रशासन ने लॉकडाउन का पालन और कड़ाई से शुरू करा दिया है। यहां तक कि इमरजेंसी को छोड़कर अन्य सभी सामान्य मरीजों के लिए OPD व्यवस्था पूरी तरह से रोक दी गई है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की तरफ से जारी किए गए निर्देश के क्रम में अम्बेडकर नगर जिले में भी संयुक्त चिकित्सालय सहित जिले भर की सभी सरकारी अस्पतालों में OPD बंद करते हुए तत्काल प्रभाव से टेली मेडिसिन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इमरजेंसी सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। CMO ने कहा कि इस व्यवस्था का अब तक सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया है। मरीज हैं जिनको आकस्मिक सेवा की जरूरत है, जैसे गर्भवती माताएं, 1 साल से छोटे बच्चे, उनके लिए 102 एम्बुलेंस निर्धारित है। जो भी फोन करेगा उसको बुलाएगी और उससे आपको चिकित्सालय में ला के उपचार कराया जाएगा। बाकी जो लोग हैं उनके लिए टेली मेडिसिन के लिए डॉक्टरों की सूची है, समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी गई है, उनसे फोन से संपर्क करें। हमारे CSC PSC के डॉक्टर हैं, उनसे भी लोग संपर्क करके उपचार ले रहे हैं।
जो जिनको इमरजेंसी सेवा नहीं है, रूटीन सेवा लेनी है, ओपीडी सेवा लेनी है, वो फोन से करेंगे, टेलीमेडिसिन कहते हैं इसको। कल हमारे यहाँ 290 लोगों ने लाभ लिया था, उससे पहले 416 लोगों ने लाभ लिया था। प्रत्येक जो हमारे ब्लॉक हैं उसमें सारे MOIC और उनके डॉक्टर, उनके नंबर लोगों को पता है, उनसे फोन से बात करके उपचार का लाभ ले। अम्बेडकर नगर में खादी को बढ़ावा देने के तहत खादी के मास्क बनाए जा रहे हैं। जनपद अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी राकेश दुबे ने बताया कि खादी के मास्क 3 सेंटर में बनाए जा रहे हैं तथा 1 से 1.5 हज़ार मास्क निःशुल्क गरीबों को, होमगार्डों को, आंगनबाड़ी कर्मचारियों जो खरीद नहीं सकते हैं उनको वितरित करा रहे हैं तथा 3,000 खादी मास्क कम्युनिटी किचन सेंटर पर भी वितरित किया जाएगा। खादी के मास्क हो या गमछा हो, जिसका गरीब मजदूर बार बार प्रयोग करे, तथा उन्होंने बताया कि खादी का मास्क जो हमने बनाया है वो वॉशेबल है तथा सस्ता भी है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ 3 सेंटर हैं, तीनों जगह से हम मास्क तैयार करा रहे हैं। 1 से 1.5 हज़ार मास्क निःशुल्क जो अति गरीब हैं या हमारे जो होमगार्ड्स कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं, इन लोगों को जो खरीद नहीं सकते उन लोगों को जाके मैं वितरित करा रहा हूँ। सूती के मास्क हों, खादी के मास्क हों या गमछे हों, जो गरीबों को, मजदूरों को सस्ता भी पड़े और उसको साफ करके बार बार यूज किया जा सके। हमारा मास्क वॉशेबल भी है और वो यूजफुल है और बहुत सस्ता पड़ता है। पिछले 1 महीने से जारी लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन मेरठ रेड जोन में शामिल है। यहाँ कोरोना पॉजिटिव 89 मामले सामने आ चुके हैं, इसलिए राहत मेरठ में नहीं दी जाएगी। सुबह दुकानदार आदेश पाकर दुकान खोलने लगे थे, परंतु पुलिस ने बाजारों में जाकर लोगों को समझाया। ADM सिटी अजय तिवारी ने बताया कि उन्होंने व्यापारियों से बात की, उन्हें समझाया मेरठ रेड जोन में है, इसलिए यहां पर पहले के अनुसार ही केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खोली जाएंगी। हाँ, हमारे यहाँ रेड जोन है, डिस्ट्रिक्ट हमारा रेड जोन में पूर्ववत सिस्टम एज ऑफ टुडे, एज ऑफ यस्टरडे, कल जो था वही सिस्टम कंटिन्यूड रहेगा विद फुल फोर्स। नहीं, रमजान का स्पेशली अलग से नहीं है कुछ, क्योंकि रमजान को फैक्टर इन कर लिया था हमने पहले ही, तो हमारी शॉप्स का असेंशियल गुड्स की शॉप्स के लिए पासेस जारी हैं, सिस्टम है वही सिस्टम जो कल था वही अभी तक से भी चलेगा आगे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरा देश अपना अंशदान दे रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नारी शक्ति ने लॉकडाउन के अनुपालन के लिए अपने मोहल्ले में चित्रकारी कर लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया है, जिसकी सराहना पूरे शहर में हो रही है। वाराणसी में लॉकडाउन का अनुपालन करवाने के लिए लड़कियों ने यहां के मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग कर सड़क पर लक्ष्मण रेखा बनाते हुए स्टे होम स्टे सेफ का स्लोगन भी लिखा है। सड़क पर चित्रकारी कर रही नादानी मौर्या ने बताया कि पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है, इसे लेकर देश में भी लॉकडाउन घोषित किया गया, इसके बावजूद लोग इस लॉकडाउन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। बच्चों ने बताया कि इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हमने सड़क पर स्टे होम स्टे सेफ का स्लोगन लिखते हुए कई सारे चित्र बनाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। हम लोग यही लोगों को देना बताना चाहते हैं कि आप लोग अपने घर में रहिए, स्टे रहिए, सेफ रहिए और अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करिए। कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, अगर हम लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ कर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि बाहर से हमारे कॉलोनी में कोई ना आए, ताकि ये वायरस से बच सके हम लोग, और ये बहुत ज्यादा ही मात्रा में फैल रही है और आगे ना फैले। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मुरादाबाद की 2 निशानेबाज जुड़वा बहनों ने भी कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। जनपद के मझोला थाना क्षेत्र के काशी रामनगर में रहने वाली निशानेबाज जुड़वा बहन अंशिका और वंशिका विश्नोई ने अपनी बंदूक घर में रखकर अपने हाथों में सैनिटाइजर स्प्रे मशीन ले ली है। अब वो हर रोज अपने पूरे क्षेत्र को सैनिटाइजर करने का काम कर रही हैं। कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही जुड़वा बहनें वंशिका और अंशिका नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी हैं, लेकिन अब कोरोना के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई में अपना योगदान दे रही हैं। निशानेबाज बहनें कहती हैं कि लॉकडाउन लागू होने के बाद खेल कूद की सभी गतिविधियां बंद हैं। उन्होंने बाजार से स्प्रे मशीन खरीदी और हर रोज ये दोनों कॉलोनियों के घरों, पार्कों और नालियों में सैनिटाइजर का काम कर रही हैं। साथ ही लोगों को हैंड वॉश का इस्तेमाल करने की भी सलाह दे रही हैं।
कि हम लोग जैसे कि नेशनल राइफल शूटर हैं और हम लोगों के इंडिया टीम के ट्रायल्स जो कि 20 अप्रैल को होने वाला था वो अभी डिले हो गया है। और जब वो जैसे कि सिर्फ वो ही नहीं, हमारे आईपीएल यहाँ तक कि ओलंपिक भी अब नेक्स्ट ईयर होने वाला है तो वैसे ही वो भी कैंसिल हो गया है। और उसके चलते हम लोग घर में खाली हैं तो हमने सोचा क्यों ना कोरोना को भगाने के लिए अपने मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाए। इसलिए हम लोगों ने पापा से बोला कि पापा सैनिटाइज की मशीन ला के दे दीजिए हम लोगों को, हम अपने मोहल्ले को सैनिटाइज करना चाहते हैं। तो हमारे पापा तो हमेशा ही हमारे साथ होते हैं तो उन्होंने बोला बेटा तुमने कहा और हम ले आए, तो बोले उन्होंने ला के दी और हम लोगों ने करना शुरू किया। ये प्रेरणा टीवी से आई, न्यूज़ में देख के, न्यूज़ में हम लोग बहुत न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ में काफ़ी बार देखा है कि इस मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है, इस मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो हमने अपने पापा से डिस्कस किया कि पापा जी ये क्या होता है, तो पापा जी ने बताया कि जैसे कि ये एक कीटाणुनाशक दवाई होती है और इससे जो भी कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमने भी पापा जी से कहा कि पापा जी हमें भी ये मशीन ला के दीजिए, और पापा जी ने हमें ये मशीन ला के दी और हमने अपने मोहल्ले को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया। बहराइच जनपद में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद आधा दर्जन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हॉटस्पॉट घोषित किए गए इन इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज किए जाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इलाकों को बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सर्विलांस टीमों के द्वारा घर घर जाकर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। दो दिन पहले ही एक भी कोरोना पॉजिटिव केस न मिलने के कारण ग्रीन जोन में दर्ज बहराइच जनपद अब ऑरेंज जोन में आ चुका है। गुरुवार को अचानक एक साथ 8 मरीजों की पुष्टि के बाद लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा हो गया है। पॉजिटिव केस सामने आने के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जिले के वजीरपुर कोतवाली देहात के केशवापुर और थाना रामगांव के फतेहपुरवा को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। इस एरिया को 1 किलोमीटर की परिधि के एरिया को हॉट स्पॉट घोषित किया है और यहाँ पे जो इसका इलाका है इसको सीलबंद कर दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी सरकारी तंत्र के देखरेख में होगी और बॉर्डर पे ड्यूटियाँ लगी होगी। सिर्फ सैनिटेशन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर और प्रशासन के लोग यहाँ इस एरिया में आ सकते हैं। सभी लोगों को अपने घरों में रहना है। स्वास्थ्य की टीम प्रत्येक दिन अगले 28 दिनों तक इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य चेकअप करेगी। कोतवाली दरगाह शरीफ के अंतर्गत स्थित एक मकान में रजनी रूपानी पत्नी भीमसेन रूपानी निवासी गुलाम अलीपुरा हनुमानपुर कॉलोनी ये कोरोना पॉजिटिव कल पाई गई थी जो है, और इनको क्वारंटाइन कराया गया है। साथ ही इनके बारे में मालूमात किया गया तो लॉकडाउन के दौरान इन्होंने गाजियाबाद तक की यात्रा की थी और इसके अलावा अपने घर पर किसी समारोह के संबंध में करीब 15 से 20 लोगों की पार्टी भी आयोजित की थी। इसके लिए न तो इन्होंने शासन अनुमति लिया और न ही उसके बारे में कोई सूचना राजस्व या पुलिस विभाग को दी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने तथा महामारी फैलाने के संबंध में इनके विरुद्ध और उस पार्टी में शामिल रहे 19 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ ग्रामीण इलाकों में मॉल्स को छोड़कर लगभग सभी दुकानें खोलने की दी अनुमति। दुकानों में 50% कर्मचारी ही करेंगे काम। प्रदेश सरकार ने मेडिकल इन्फेक्शन रोकने के लिए डेडिकेट टीम की गठित। अपर मुख्य सचिव सूचना गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया मेडिकल कर्मियों को संक्रमण से बचाना पहली प्राथमिकता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और मनरेगा ने गरीब और मजदूरों की लॉकडाउन के दौरान खत्म की मुश्किलें। और रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में इबादत करने की अपील। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
साल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go.